मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रकाश पर्व दीपावली की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि आज 14 नवंबर है और आज पूरे हिंदुस्तान में दीपावली का ये शुभ पर्व मनाया जा रहा है। तो इसी में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने जनता को, प्रदेश की जनता को और तमाम भारतवासियों को दीपावली की बधाई दी है, दीपावली की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं और अपने शुभकामना संदेश में नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रकाश पर्व दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान व ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अनेकता में एकता की मिसाल हमारी संस्कृति और भारतीय मनीषा, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतम गमया शुभ संकल्प का संदेश देती है। तो मैं आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि दीपों का एक महापर्व प्रदेश में प्रेम और सद्भाव के साथ ही लोगों के जीवन में शांति, सुख एवं समृद्धि लाए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव हाल ही में खत्म हुआ है। 10 नवंबर को लोकतंत्र के इस पर्व के नतीजे भी आए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बहुमत के साथ जीत हुई है। 125 सीट के साथ एनडीए की जीत हुई बिहार विधानसभा चुनाव में और महागठबंधन की हार हुई है। तो इसी पर अब बिहार में नई सरकार बनने को लेकर लगातार अब हलचल तेज हो गई है और 15 नवंबर को नए मुख्यमंत्री का नाम भी घोषित किया जा सकता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से नीतीश कुमार ही अब मोर्चा भी संभालेंगे। तो क्या होगा ये अब कल ही पता चलेगा, यानी कि 15 नवंबर को, क्योंकि विधायक दलों की, एनडीए के विधायक दलों की बैठक भी है कल, और कल ही ये फैसला होगा कि सरकार किस तरह और कैसे बन रही है। नेशन न्यूज़ की रिपोर्ट।